Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, बी टाउन अब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले साउथ के स्टाइलिश स्टार सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की आने वाली फिल्मों की लिस्ट के बारे में। तो दोस्तों आप भी अगर अल्लू अर्जुन के मेरी तरह ट्रू फैन है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। तो चलिए दोस्तों बिना देर करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन की सबसे पहले जो फिल्म आने वाली है वो AA20 है और इस फिल्म का ऑफिशियली नाम चेंज करके पुष्पा कर दिया है। दोस्तों पुष्पा फिल्म का पोस्टर हाल ही में रिलीज किया है और दमदार पोस्टर है, दर्शकों को बहुत ही पसंद आ रहा है और इस फिल्म को डायरेक्शन दे रहे हैं सुकुमार। दोस्तों ये जोड़ी यानी कि अल्लू अर्जुन और सुकुमार इससे पहले 2004 में आर्या एक दीवाना फिल्म में दिखाई दी थी और इस फिल्म का बजट था 4 करोड़, जो कि बहुत ही बढ़िया चली थी बॉक्स ऑफिस पर। उसके बाद ये जोड़ी फिर से 2009 में आर्या एक दीवाना पार्ट 2 लेके आई और इस फिल्म का बजट था 10 करोड़ और इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। उसके बाद दोस्तों ये जोड़ी एक और बार देखने को मिलेगी हमें पुष्पा फिल्म में। दोस्तों आपको बता दूं कि पुष्पा फिल्म को भी डायरेक्शन दे रहे हैं सुकुमार। और दोस्तों अल्लू अर्जुन की पहली फिल्म पैन इंडिया रिलीज होने वाली है, यानी कि इस फिल्म को यानी कि पुष्पा फिल्म को इंडिया में 5 लैंग्वेज में रिलीज किया जाएगा, तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ा और मलयालम। फर्स्ट टाइम पैन रिलीज होगी अल्लू अर्जुन की फिल्म दोस्तों, क्योंकि पब्लिक की डिमांड थी कि अल्लू अर्जुन की फिल्म हर लैंग्वेज में रिलीज की जाए क्योंकि इनकी फैन फॉलोइंग इंडिया में हर जगह पर है। पुष्पा फिल्म एक्शन, ड्रामा, थ्रिलर और रोमांटिक मूवी रहेगी दोस्तों। और पुष्पा फिल्म की स्टोरी लिखी है सुकुमार ने, वाई नवीन वाई रविशंकर ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है दोस्तों। और इस फिल्म में अल्लू अर्जुन पुष्पा राज का किरदार करते नजर आएंगे और उनका साथ देंगी रश्मिका मंदाना, प्रकाश राज, विजय सेतुपति, जगपति बाबू जैसे बहुत ही बढ़िया स्टार देखने को मिलेंगे। पुष्पा फिल्म का म्यूजिक दिया है देवी श्री प्रसाद ने। और दोस्तों पुष्पा फिल्म का जो बजट सामने आ रहा है वो 80 से 95 करोड़ आ रहा है और इस फिल्म की जो रिलीज डेट सामने आ रही है वो है 2021 में रिलीज होगी ये फिल्म। पुष्पा फिल्म से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस करके बाहुबली के रिकॉर्ड के करीब पहुंच सकती है दोस्तों, ये एक्सपेक्टेशन है। इसके बाद जो अल्लू अर्जुन की फिल्म आने वाली है दूसरी, उस फिल्म का नाम है आइकॉन। दोस्तों ये फिल्म का पोस्टर रिलीज किया गया था अल्लू अर्जुन के बर्थडे पर जो कि दर्शकों को बहुत ही पसंद आया था। आइकॉन फिल्म एक्शन रोमांटिक फिल्म रहेगी और इस फिल्म में हमें जो लीड रोल में ऑपोजिट अल्लू अर्जुन के ऑपोजिट रोमांस करती नजर आएगी एक्ट्रेस का नाम है काजल अग्रवाल। इससे पहले काजल अग्रवाल और अल्लू अर्जुन हमें आर्या एक दीवाना फिल्म में दिखाई दिए थे और ये जोड़ी दर्शकों को बहुत ही पसंद आई थी दोस्तों। आइकॉन फिल्म को डायरेक्शन दे रहे श्री राम वेणु और इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे दिल राजू। दोस्तों रिपोर्ट के अनुसार आइकॉन फिल्म में अल्लू अर्जुन का डबल रोल होगा, यानी कि डबल रोल में हमें अल्लू अर्जुन फर्स्ट टाइम बड़े स्क्रीन पर दिखाई देंगे। इस फिल्म का क्रेज दर्शकों के बीच और भी आई है दोस्तों, क्योंकि इस फिल्म की जो रिलीज डेट है वो है 2021 के क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी और इस फिल्म का जो बजट बताया जा रहा है वो 100 करोड़ है। तो दोस्तों ये दो फिल्म है अल्लू अर्जुन की आने वाली, AA20 यानी कि पुष्पा और आइकॉन। ये दोनों फिल्मों में से आप कौन सी फिल्म के लिए ज़्यादा एक्साइटेड है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना और ऐसी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना मत भूलिए।